नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा को जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेष राशि के दिसंबर माह के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा यह माह, उनके भाग्य को लेकर, उनके करियर को लेकर, लाभ की स्थिति को लेकर, साथ के साथ धन स्थिति, पंचम भाव अगर हम बात करें यहाँ पर तो विद्या, बुद्धि, संतान भाव को लेकर, कॉम्पिटिशन्स को लेकर, बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा यह माह। आइए, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग और डेली राशिफल। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के दिसंबर माह। मेष राशि के स्वामी से हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल की स्थिति की बात करें तो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का यानी चंद्र लग्न के स्वामी का अष्टम में गोचर शुभ गोचर नहीं माना गया, लेकिन अपनी ही राशि के अंदर स्थित हैं तो मंगल यहाँ पर मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं अपने लग्न को और यानी अष्टम भाव, स्पेशली अपने अष्टम भाव की राशि यानी वृश्चिक राशि को। यानी रहस्यमयी विद्याओं की बात करें हम यहाँ पर धन प्राप्ति को लेकर, तो उसके लिए मंगल यहाँ पर अच्छे संकेत देते हैं। मंगल अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं यानी वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में भाग्य भाव में प्रस्थान करेंगे। लग्नेश का भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि में जाना और गोचर करना इस माह में भाग्य में वृद्धि के संकेत भी प्रदान करता है। बात करते हैं धन भाव की। धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। धन भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस माह के शुरुआत में अपनी ही राशि तुला राशि सप्तम भाव, बिजनेस भाव, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश का सप्तम भाव में गोचर करना, धन भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना, धन की स्थिति जहां मैं बात करूं बिजनेस से, पार्टनरशिप से, साथ के साथ लाइफ पार्टनर के सहयोग से यहां पर वृद्धि होने वाली है। धन की वृद्धि होगी, साथ के साथ सप्तम भाव भी यहां पर एक्टिवेट हो रहा है और मैं कहूं कि यहां पर सप्तम भाव जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रदान करने की कोशिश करेगा। आपके जिन भी जातकों को शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यहाँ पर शुक्र जो है अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अच्छे रिजल्ट देने वाला रहने वाला है। शुक्र की स्थिति के फलस्वरूप पार्टनरशिप में भी यहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति के संकेत भी दिखाई देते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर शुक्र की यह स्थिति आपके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर इनको लेकर थोड़ी सी मिश्रित फल प्रदान करती है। धन की स्थिति को लेकर यह गोचर शुभ है। बात करते हैं पंचम भाव यानी संतान भाव से लेकर। सूर्य बनते हैं इसके स्वामी। सूर्य के गोचर की बात करें अष्टम में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का अष्टम भाव में गोचर शुभ गोचर नहीं माना गया, हालांकि मित्र राशि में है, चंद्र राशि के स्वामी के साथ में है, मंगल के साथ में है और मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में भी प्रस्थान करेंगे। मध्य माह के बाद में यह स्थिति उत्तम बनने वाली है। पंचमेश का नवम भाव में संतान संबंधित परेशानियों से भी यहाँ पर आपको निजात दिलाने वाला है। माह के शुरुआत यानी 15 दिन आपके थोड़े से परेशानी पूर्वक रह सकते हैं, अपनी संतान से लेकर चिंता हो सकती है, हेल्थ में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मध्य माह के बाद में इस स्थिति के अंदर सुधार होगा। बात करते हैं यहाँ पर आपके सप्तम भाव की यानी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की, जो कि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पर एक अच्छा योग बनाकर भी बैठे हुए हैं, तो यह गोचर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट देगा। कॉम्पिटिशन्स की बात करें, बुध बनते हैं छठे भाव के स्वामी, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ बुध का गोचर छठे भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करने वाला है। कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य भी यहाँ पर सपोर्ट अवश्य करेगा। भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। कारक ग्रह हैं चंद्र लग्न से यानी आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से यानी चतुर्थ भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का नवमेश होकर, द्वादशेश होकर चंद्र लग्न के स्वामी चंद्र लग्न के ऊपर से गोचर करना, साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा से ऊपर से गोचर करना चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करता है। साथ के साथ नाइन्थ हाउस को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं। यात्राएं हो सकती हैं, बड़ों से सहयोग प्राप्त होगा, मकान जमीन जायदाद की यहाँ पर प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी अपने पांचवें भाव पर सप्तम दृष्टि बनाए हुए हैं। साथ के साथ मैं अगर बात करूँ शनि की दृष्टि की तो तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, तो धन प्राप्ति के लिए शनिदेव लाभ भाव में बैठकर सहयोग प्रदान करने वाले रहने वाले हैं। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। शनि बनते हैं कार्यक्षेत्र के स्वामी। दशम
और अगर हम बात करें यहाँ लाभ भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं। शनि का गोचर, दशमेश का गोचर लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव के अगर मैं बात करूं कि स्वामी भी शनिदेव ही बनते हैं, तो दशमेश यानी कार्यक्षेत्र का लाभ भाव में, कार्यक्षेत्र का दशम भाव में, कार्यक्षेत्र का धन भाव में और कार्यक्षेत्र के स्वामी का नवम भाव में गोचर एक अच्छा गोचर राजयोग कारक गोचर माना गया। शनिदेव अपनी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाले हैं। बात करें यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति को लेकर, तो पंचम भाव जो है वो पद प्राप्ति का भाव माना गया है। यानी अपना देवगुरु बृहस्पति और शनि की द्विग्रही गोचर, यानी अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यह गोचर जो है पद प्राप्ति में भी सहयोग प्रदान करने वाला है, आपको आपके करियर में ऊंचाइयों पर अवश्य ले जाने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए दिसंबर माह पद प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा गोचर माना गया है। भाग्य यहाँ सपोर्ट करने वाला है। धन के लिहाज से भी गोचर शुभ गोचर माना गया है। धन्यवाद।